वेलकम बैक टू माई चैनल, दिस इज़ रोशि हंचौरिया। और आज हम आए हैं डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर म्यूज़ियम एंड मेमोरियल एक्सप्लोर करने। तो यस, दिस इज़ गोइंग टू बी समथिंग डिफरेंट टुडे। तो चलो अभी चल के फटाफट से एक्सप्लोर करते हैं। अभी मैं यहाँ पर हूँ सिम्बायसिस कॉलेज में, यहीं पर यहाँ पे म्यूज़ियम बना हुआ है उनका। तो चलो जल्दी से चल के अभी एक्सप्लोर करते हैं, लेट्स गो। ये एंट्री फी, ये है डायरेक्ट डिसेंडेंट ऑफ ओरिजिनल बोधि ट्री जिसके नीचे गौतम बुद्ध को इनलाइटनमेंट प्राप्त हुआ था। बाबा साहेब के बर्थडे वाले दिन 14 अप्रैल 1993 को डॉक्टर सविता अंबेडकर और माई साहेब अंबेडकर के द्वारा ये प्लांट किया गया था। ये है डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर लाइब्रेरी विच वॉज इनॉग्यूरेटेड ऑन 21 नवंबर 2015 बाय फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हर एक्सीलेंसी श्रीमती प्रतिभा पाटिल। ये बोधि ट्री 2 जुलाई 1997 को ऑनरेबल मिस्टर शरद पवार के द्वारा प्लांट किया गया था। म्यूजियम के इनॉग्रेशन वाले दिन 26 नवंबर 1996 को फॉर्मर वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हिज एक्सीलेंसी श्री के आर नारायणन ने इसको प्लांट किया था। ऑन 26 मार्च 2007 स्पिरिचुअल लीडर दलाई लामा ने इस म्यूजियम को विजिट किया था और उस दिन उन्होंने इस बोधि ट्री को प्लांट किया। ये म्यूजियम सिम्बायसिस कॉलेज SB रोड पुणे के प्रेमिसेस में बना हुआ है। डॉक्टर SB मजूमदार, फाउंडर एंड प्रेसिडेंट ऑफ सिम्बायसिस, ने बाबा साहेब का मेमोरियल एंड म्यूजियम बनाने का डिसाइड किया। तब गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र ने 2 acres ऑफ लैंड सिम्बायसिस को दिया एंड डॉक्टर सविता अंबेडकर और माई साहेब ने बाबा साहेब के पर्सनल बिलोंगिंग्स को सिम्बायसिस को डोनेट कर दिया। बाबा साहेब के बर्थडे वाले दिन 14 अप्रैल 1990 को फॉर्मर चीफ मिनिस्टर ऑफ महाराष्ट्र ऑनरेबल मिस्टर शरद पवार ने इसकी नींव रखी। फिर 6 साल 9 महीने के बाद 26 नवंबर 1996 को फॉर्मर वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हिज एक्सीलेंसी श्री के आर नारायणन ने इस म्यूजियम एंड मेमोरियल को इनॉग्रेट किया। अपने 65 ईयर्स के लाइफ स्पैन में बाबा साहेब ने कई अनगिनत इवेंट्स की थी, लेकिन उनकी लाइफ की 6 major events यहाँ पोर्ट्रे की गई है। उनमें से पहली है ये चवदार टेल सत्याग्रह एट महार। और 19 मार्च 1927 चवदार लेक के किनारे बाबा साहेब ने अपने एसोसिएट्स को इकट्ठा किया एंड लेक का पानी पिया जो कि अनटचेबल्स के लिए अलाउड नहीं था। और उन्होंने कहा कि पानी जैसी जीवन देने वाली चीज़ सिर्फ किसी सिलेक्टेड क्लास के लोगों के लिए नहीं हो सकती एंड उन्होंने मैसेज दिया कि इसको यूज़ करने का हक सबका है। बाद में 25 दिसंबर 1927 को बहुत सारे क्राउड के सामने मनुस्मृति बुक को जलाया जो कि कास्ट सिस्टम एंड अनटचेबिलिटी को प्रमोट करती है। उसी दौरान उन्होंने अनटचेबल्स एंड विमेन जिनको सप्रेस किया जाता था उनके अपलिफ्टमेंट के लिए अपने कई व्यूज एंड सुझाव दिए। ऑन 25 नवंबर 1949 डॉक्टर B.R. अंबेडकर और बाबा साहेब चेयरमैन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सबमिटेड द फाइनल ड्राफ्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन टू कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली प्रेसिडेंट राजेंद्र प्रसाद। बाबा साहेब मेड टायरलेस एफर्ट्स फॉर ड्राफ्टिंग दिस आउटस्टैंडिंग फ्रेमवर्क। ऑन 24 सितंबर 1932 दिस पुणे पैक्ट हैपेंड जिसमें ब्रिटिश गेव द डिप्रेस्ड क्लासेस द राइट टू फॉर्म इंडिपेंडेंट इलेक्टोरल बॉडीज एंड गांधी जी इसके अगेंस्ट थे एंड यरवदा जेल में उन्होंने अनशन एंड फास्ट शुरू कर दिया। लास्ट में जब वो नहीं माने तो उनकी जान बचाने के लिए और लोगों में आक्रोश ना बढ़े उसके लिए बाबा साहेब को इंस्टेड ऑफ इंडिपेंडेंट इलेक्टोरल बॉडीज हैड टू एक्सेप्ट द कंट्रोल्ड इलेक्टोरल बॉडीज फॉर द दलित्स। On 3rd March 1930, बाबा साहेब started the कालाराम मंदिर सत्याग्रह ताकि डिप्रेस्ड क्लासेस को समानता और मानवता का अधिकार मिले एंड उनको भी सेम प्रिविलेज मिले जो बाकी लोगों को मिलती है। यहाँ है डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर टेकिंग द ओथ। After the independence on 8th May 1950, Dr. B.R. Ambedkar or Baba Saheb was declared as the law minister by President of India Dr. Rajendra Prasad in the presence of Prime Minister Pandit Jawaharlal Nehru and he became the first law minister of India.
काफी सारे संघर्षों, लड़ाइयों, सत्याग्रह, अथक प्रयासों के बावजूद जब डिप्रेस्ड क्लासेस को वे हिंदू धर्म में इक्वालिटी एंड ह्यूमैनिटी नहीं दिलवा पाए, तब एंड उन्हें लगा कि अब उनके जीवन के ज़्यादा दिन नहीं बचे, तो उन्होंने अपने लाखों फॉलोअर्स के साथ ऑन 14 अक्टूबर 1956 नागपुर महाराष्ट्र में बुद्ध धर्म अपना लिया एंड ही स्टेटेड दैट Even if I was born a Hindu, I will not die a Hindu. इधर शोकेस द डिटेल्स ऑफ इंटरनेशनल लीडर्स जो ह्यूमैनिटी एंड इक्वल राइट्स के लिए लड़े. वैसे तो इंटरनेशनली कई लीडर्स हैं जिन्होंने ह्यूमैनिटी, इक्वल राइट्स एंड जस्टिस के लिए स्टैंड लिया एंड विरोध किया, लेकिन यहाँ 3 लीडर्स मैंशनड है जिनमें नेल्सन मंडेला, मार्टिन लूथर किंग एंड अब्राहम लिंकन है. ऑल 3 ग्रेट लीडर्स took outstanding step towards injustice and inequality. So ये थी उनकी लाइफ के कुछ मेजर इवेंट्स. और अभी हम चलेंगे और अंदर जाके एक्सप्लोर करेंगे पूरा म्यूजियम. इधर से एंट्रेंस से अंदर जाने की. सो एंटर होते ही हमें ये गैलरी देखने को मिलती है जहाँ पे बाबा साहेब की लाइफ से रिलेटेड काफ़ी सारी चीज़ें शोकेस्ड है, उनके वर्क से लेकर उनके इवेंट्स, उनकी पर्सनल लाइफ, काफ़ी सारी चीज़ें हैं यहाँ पे डिटेल में. ये पिक्चर है महात्मा फुले की जो मूवी रिलीज हुई थी 1954 में उसकी. और ये दलाई लामा ने यहाँ पे विजिट किया था. ये डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने यहाँ पे 2007 में विजिट किया था. अब हम वन बाय वन उनके पर्सनल बिलोंगिंग्स को एक्सप्लोर करेंगे. ये है वो चेयर जिस पर बैठकर बाबा साहेब ने कॉन्स्टिट्यूशन का ड्राफ्ट लिखा था एंड दिस चेयर वाज स्पेशली मेड फॉर हिम एज ही वाज नॉट वेल एंड वाज नॉट एबल टू सिट ऑन द वुड चेयर फॉर प्रोलॉन्ग्ड ड्यूरेशन. ये बाबा साहेब की प्रतिमा. ये है रेस्टिंग चेयर्स. एक्चुअली बाबा साहेब ना न्यूराइटिस एंड ब्लड प्रेशर से काफ़ी ज़्यादा सफ़र कर रहे थे उनके लास्ट डेज में, तो इस पर बैठकर वो रेस्ट किया करते थे एंड योगासन्स करते थे जिससे उनको काफ़ी रिलीफ मिलता था. ये बात बहुत ही कम लोगों को पता होगी कि बाबा साहेब को म्यूज़िक का भी बहुत शौक था एंड ये वायलिन उन्होंने दिल्ली से ख़रीदा था एंड मुंबई में उन्होंने इसको बजाना भी सीखा था. ये चेयर्स हैं एंड ये ट्रैवल बैग्स हैं जो वो अब्रोड ट्रैवलिंग के लिए यूज़ करते थे एंड इनमें ना लॉक का सिस्टम भी है, आप देख सकते हो. एंड इन बैग्स का मोस्ट ऑफ द स्पेस बुक्स के लिए यूज़ होता था. ये कबर्ड है उनकी जिसमें उनकी कुछ बुक्स रखी है जो उनको पसंद थी एंड साइड में उनके कपड़े हैं. उनकी सारी चीज़ें, कपड़े वगैरह, ये सब देखकर ना ऐसा लग रहा है कि वो यहीं आसपास ही कहीं है. बहुत ही अलग सी फीलिंग आ रही है, बहुत अच्छा लग रहा है. ये भी बाबा साहेब के कपड़े. और यही है वो बेड जिस पे उन्होंने अपनी अंतिम सांसें ली थी एंड अभी ना मैं कुछ एक्सप्रेस नहीं कर पा रही, मेरी आईज बहुत ज़्यादा टियरी है एंड बस अभी उनके लिए ग्रेटिट्यूड वाली फीलिंग आ रही है और कुछ नहीं. और इसको देखकर ना लग रहा है कि बहुत ही पास में हूँ मैं उनके जैसे. ये है वो जोधपुरी सूट जिसको पहनकर उन्होंने द वर्ल्ड बुद्धिस्ट कॉन्फ्रेंस में स्पीच दिया था बुद्धा एंड कार्ल मार्क्स पे. और ये उनकी हैंड स्टिक और ये साथ में है उनकी गार्डन सीजर क्योंकि उनको गार्डनिंग भी बहुत पसंद थी. ये
ये उनकी कोलंबिया यूनिवर्सिटी की एंड ऑस्मैनिया यूनिवर्सिटी की डिग्री एंड ऑफिशियल डिटेल्स हैं। ये उनके हाउसहोल्ड यूटेंसिल्स और उनकी डाइनिंग टेबल। बाबा साहेब एक डॉग लवर भी थे और उनके फेवरेट डॉगी का नाम टॉबी था, और ये आप देख सकते हो इमेज में। और ये बाबा साहेब और उनकी वाइफ रमाबाई, ये उनके घर के यूटेंसिल्स और ये चेयर। और ये बाबा साहेब और उनकी सेकेंड वाइफ शारदा अम्बेडकर, और ये ऊपर कुछ और यूटेंसिल्स रखे हैं। ये कलरफुल अम्ब्रेला बाबा साहेब को प्रेजेंट किया गया था ड्यूरिंग हिज रंगून विजिट। ये ड्रेसिंग टेबल, बिग स्टोरेज बॉक्स वगैरह, और ये ऊपर कुछ पिक्चर्स है उनकी। ये सारे बाबा साहेब के मराठी कोट्स हैं। तो चलो अभी ऊपर वाला पार्ट एक्सप्लोर करते हैं। '90 में बाबा साहेब को भारत रत्न मिला, ये उसका साइटेशन है। और ये अस्थि कलश है जिसमें उनकी एशेज हैं। ये बाबा साहेब रंगून से लेकर आए थे एंड ये एक ओपन आईड बुद्धा है। ये उनके हाउसहोल्ड यूटेंसिल्स। ये भी हाउसहोल्ड यूटेंसिल्स। ये बाबा साहेब का ट्रैवलिंग किट जो वो ट्रैवल में ले जाते थे। ये नेक टाई बॉक्स, और यहाँ पे ना ज़्यादातर चीज़ें जो भी शोकेस है ना वो बाबा साहेब को किसी ने प्रेजेंट किया है। एक्चुअली वो जब भी ट्रैवल करते थे अलग अलग जगह, तो अलग अलग जगह से उनको प्रेजेंट्स मिलते थे, तो मोस्ट ऑफ द चीज़ें वो ही शोकेस है यहाँ पर। ये फ्लावर पोट, ये सारे प्रेजेंट्स हैं। ये स्टैचू ऑफ लॉर्ड बुद्धा, ये भी प्रेजेंट है। ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ बॉक्सेस। ये सिल्वर इंक पोर्ट जो कि लॉर्ड माउंटबेटन ने बाबा साहेब को प्रेजेंट की थी। ये कैंडल स्टैंड, और ये सारे प्रेजेंट्स हैं। ये उनके ग्लासेस विथ सिल्वर फ्रेम, और ये भी प्रेजेंट है। ये ट्यूब्स उनके आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन के लिए मंगवाई गई थी केवल्य धाम से। ये बाबा साहेब की पर्सनल बिलोंगिंग्स हैं। ये चाइना वेयर्स, और ये सारे भी प्रेजेंट्स हैं।
यस, दिस वॉज ऑल अबाउट डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर म्यूजियम एंड मेमोरियल। आई होप कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, मुझे भी बहुत पसंद आया, बहुत ही अच्छा फील हुआ मुझे यहाँ आकर। तो यस, दिस वॉज ऑल अबाउट इट एंड आई हैव टू एंड दिस व्लॉग राइट हियर। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय, हैव एन अमेजिंग एंड वंडरफुल डे।